इस वीडियो में मैं शो करूंगा एडमैक्स की ओर से आने वाला एक्सटेंशन बोर्ड कितना वायर की लेंथ है, कितनी कैपेसिटी है, ले लेता है, इसके थ्रू आप हैवी अप्लायंस यूज कर सकते हो भी कि नहीं, कोई भी बड़े साइज का अडैप्टर लगाओगे तो एक दूसरे से टच तो नहीं होगा, वो सारी चीजें। तो ये मैंने अमेजन से परचेस किया 390 रुपीज का, अमेजन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम है, कोई 500 600 का सेल करा जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब मैंने परचेस किया, ऑफर भी चालू था। राइट साइड में 3 डॉट पे क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन पे विजिट कर सकते हो। 4 3 पिन वाले सॉकेट है, 2 2 पिन वाले सॉकेट है, 2 USB दी गई, लाइट इंडिकेटर है, वायर लेंथ 2 मीटर के करीब है। जब भी पावर ऑन करोगे इस बटन पे प्रेस करोगे तो ग्रीन लाइट इधर रेड लाइट इंडिकेट करेगी, रेड लाइट स्टेबल लाइट है मेरे कैमरे के अंदर जो कि ब्लिंक करते हुए दिख रही है। आराम से इसके अंदर 4 अडेप्टर और 2 2 पिन वाले अडेप्टर लगा सकते हो, 2 USB लगा सकते हो, कोई भी एक दूसरे से टच नहीं हो रहा है एज कम्पेयर टू दूसरे एक्सटेंशन बोर्ड आते हैं, इसके अंदर अडेप्टर एक दूसरे से टच होने लगते हैं जिसके कारण हम ज्यादा अडेप्टर नहीं लगा पाते। अब इसके अंदर कौन से अप्लायंस यूज कर सकते हो, आप कंप्यूटर हो गया, एलईडी मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, स्पीकर हो गया, वो सारी चीज यूज कर सकते हो। कौन से नहीं यूज कर सकते हो, गीजर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, वो नहीं यूज कर सकते हो।